भाई। हाँ सर, ओटीपी ओटीपी अच्छा है, ये नहीं रे बाबा। क्या बोलतो भाई, पहला पूरे दोस्त नसरी तो किती लास्ट आपण कधी भेटलेलो, 1 इयर होगा ना। इजी गोल्ड गोल्ड नंबर तो दाबून टाक, काय होतं त्याने दाबून टाक पार्टी का तो जब से अराउंड मैंने मई से कितने 3000 कैलोरीज वगैरह खाना चालू किया है, तब से फिजिक में विजुअली डिफरेंस आया है। थोड़ा थोड़ा बॉडी फैट गेन हुआ है, मसल भी गेन हुआ है, बट ओवरऑल साइज स्ट्रेंथ और फिजिक थोड़े आवाज से भी करना है। फिजिक का तो अभी पार्ट ऑफ प्रोसेस है ना, अभी मसल है तो फैट भी आएगा ही आएगा ही। और एकदम ज्यादा फैट भी अच्छा नहीं है, समवेयर इन द मिडल रहना पड़ता है। सो अभी हम लोग ट्रेन करने वाले पुश चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। चेस्ट के लिए कितने 2 या 3 मूवमेंट्स, ट्राइसेप के लिए 1-2 मूवमेंट्स, शोल्डर के लिए 1-2 मूवमेंट्स, वो भी उधर जाके ही देख लेंगे। अभी हम लोग कितना कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट्स में अभी पहुंच। सो द थिंग इज हम लोग अभी गोल्ड्स नहीं कल फिट जा रहे, ये थोड़ा दोनों जिम सिमिलर ही है ना, मशीन्स वगैरह। अच्छा ओके, बिग डिफरेंस है। सो यहाँ के मशीन्स वगैरह गोल्ड से सिमिलर है? नहीं है, डिफरेंट पाउंड्स में सब गोल्ड में सब कुछ पाउंड। हम लोग कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहे थे पाउंड टू केजी, इसमें सब केजी में इजी रहता है। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं। सो मैं और सोहम एक दूसरे को 8 स्टैंडर्ड से जानते हैं, हम लोग दोनों एक साथ फ्रेंच आई थिंक 7th फ्रेंच स्टैंडर्ड मेरा 8th से फ्रेंच। अच्छा। सो मुझे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड मुझे फ्रेंच लैंग्वेज थी, और जब मेरा फर्स्ट क्लास था फ्रेंच का, सो मैं हम लोग दोनों एक ही क्लास में थे। और 2020-2021 हम लोगों ने लॉकडाउन में बहुत सारे गेम्स खेले, ऑनलाइन गेम्स तो बाप रे प्योर। दिन में शुरू होता था और रात को 10-11 बजे तक, यही टाइम पीरियड में मैंने तो 2021 में चालू किया। तूने कब ट्रेनिंग चालू की? आई स्टार्टेड इन सेम 2021, इतना तो याद नहीं है बट आई से सितंबर। तो अभी तेरा डाइट क्या है, तेरे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स क्या है, और तेरा स्प्लिट क्या है? ओके, सो बेसिकली डाइट तो फिलहाल अभी मैं कटिंग पे हूँ, तो पहले बल्क पे था पिछले 6-7 महीने से, और अच्छा खासा गेन भी हुआ था, 94 हुआ था मेरा वेट। फिर उसके बाद कटिंग करते करते अभी अराउंड 87 वगैरह आ गया हूँ, एंड आई प्लान टू टेक इट टू 83 एक्चुअली। तो अभी है हाफ वे डन हो गया मेरा ऑलमोस्ट। तो फिर अभी ट्रेनिंग की स्प्लिट के बारे में बात करें तो मेरा अभी फिलहाल पुश पुल लेग्स चल रहा था, बट एक्चुअली लास्ट वीक से ही मैंने चेंज किया क्योंकि बहुत बोर हो रहा था मुझे कि सेम वही। सो मैंने अभी स्प्लिट चेंज करके मेरा वापस चेस्ट बैक आर्म्स लेग, ये आर्नोल्ड स्प्लिट, ब्रो स्प्लिट जो हम बोलते हैं, तो वो मैंने शुरू कर दिया है। उसमें मेरा टाइम भी बच जाता है और मैं वर्कआउट पे थोड़ा ईच मसल ग्रुप पे ना बेटर फोकस कर पाता हूं। तो पुश पुल लेग्स में भी वैसा रहता है कि हर एक मसल वीक में 2 बार, तो मंडे को मार तो नेक्स्ट मसल थर्सडे को आ जाता है। तो ये मेरा 8 डे स्प्लिट है, तो मैं रेस्ट तो लेता ही नहीं है क्योंकि संडे को भी ट्रेन करता हूँ, और आफ्टर एवरी वर्कआउट थोड़े 15 मिनट्स कार्डियो को भी मिल जाता है उसमें से। डंबल आई थिंक हमेशा लास्ट टाइम पे डंबल ही किया था, थोड़ा कुछ डिफरेंट, थोड़ा एक हाइपरट्रॉफी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन करेंगे। तेरा पुश वर्कआउट बता, तेरा पुश वर्कआउट क्या है? मेरा पुश वर्कआउट, मेरा पुश वर्कआउट बेसिकली स्टार्ट ऐसे होता है कि पहला बेसिक वार्म अप्स करता हूँ, रोटेशंस करता हूँ, ज्यादा नहीं करता, और फिर उसके बाद अगर इंक्लाइन से कभी कभी स्टार्ट करता हूँ तो फिर इंक्लाइन के वक्त एक वार्म अप सेट लूंगा, एंड उसके बाद सीधा 3 मेन सेट। उसके बाद एक फ्लैट, फर्स्ट हो गया इंक्लाइन, उसके बाद एक फ्लैट आएगा, एंड उसके बाद एक फ्लाई, एक ही सेट लेता हूँ मैं फ्लाई का एज अ फिनिशर। तो उसमें 20-25 पूरा पार्शियल, जितना मतलब फेलियर तक ले सकता हूँ उतना करता हूँ, एंड फिर कम्प्लीटेड विद चेस्ट। अभी फिर शोल्डर के लिए एक ओवरहेड प्रेस, लैटरल, एंड 2 ट्राइसेप की वेरिएशन, एंड दैट्स इट। हाँ देखो, इतना सिंपलिसिटी के साथ भी अगर ट्रेन करोगे, 5 एक्सरसाइजेस इनफ 4-5। मेरा भी वो इंक्लाइन, वो सब ऑब्वियसली चैनल पे है, एक इंक्लाइन प्रेस, एक फ्लैट, ट्राइसेप के 2 मूवमेंट, शोल्डर के 2 मूवमेंट, एंड मैं सेट्स भी ज्यादा नहीं करता, 2 से 3 सेट में। ये कौन सा है, कौन सा प्रिय है? फ्रॉस्ट कोला है, और रैथिक्स का जो अभी नया फ्लेवर आया है बहुत अच्छा है।
पहले मैं ये कोला वाले ही फ्लेवर यूज करता था, तो सोचा एक नया कुछ ट्राई करके देखते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम जो पिया था उस सेम है, बट डिफरेंट फ्लेवर डिफरेंट है। यस यस, क्रेजी क्रेजी टेस्ट है एकदम। ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्लू लगून जैसे लगता है, बट विदाउट सोडा, बट विदाउट सोडा वाला। हाँ, लास्ट टाइम कोको कोला जैसा, बट विदाउट सोडा। बट यस यस यस, तो बहुत, और मैं चिल्ड वाटर और आइस डालता हूँ थोड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है, फिर पीने में भी मजा आता है। ऐसा लग भी नहीं रहा प्रियो को, एग्जैक्टली ऐसे जूस टाइम पास में जूस पी रहा हूँ ऐसा लग रहा है। कल रात मेरी स्लीप भी अच्छी हुई है, मैंने कल अच्छे से खाया भी है, अभी भी मैं 2 मील्स खा के आया हूँ, सुबह कॉफी भी पी थी और 2 लीटर पानी, और अभी है प्री। बाय द वे, जो लास्ट टाइम प्री पिया था ना, वाज इन दैट वीडियो, उसके बाद मैंने प्री पिया ही नहीं, मैं अभी पी रहा हूँ। तो बहुत अच्छा हिट होगा, बहुत ही अच्छा हिट होगा। तो आप फिर जो वीडियो में पिया था ना, उसके बाद अभी पी रहा हूँ। मेरा भी कैफीन टॉलरेंस अभी पूरा का पूरा, पहले था बट अभी चला गया, अभी सब रिसेट हो गया। अच्छा। तो प्री भी बहुत अच्छे से हिट होता है, आधे आधे टू वन स्कूप में पूरा पूरा पंप आ जाता है। यस यस, दैट्स इनफ। मैंने भी आई गेस लास्ट 1 या 2 महीने से सिर्फ सुबह ओट्स के साथ इतना सा कॉफी, वो भी दूध के साथ, जस्ट ऐसे एक थोड़ा सा कैफीन, थोड़ा सा। तो अभी मैं तो कॉफी भी बंद ही हो गया है मेरा, सिर्फ प्री जो सुबह मॉर्निंग वर्कआउट लेता हूं। तू कॉफी टेस्ट के लिए पीता है कि कैफीन के लिए पीता है? कैफीन के लिए थोड़ा। यस यस, बट अभी तो बंद ही हो गया। मैं पहले पहले बहुत पीता था, लाइक दो दो तीन तीन सैशे डालता था एक केस में। बाप रे। हां, सो अभी तो पूरा बंद ही हो गया। स्लीप भी अफेक्ट होती है। यस यस, और दोपहर के 2 बजे के बाद तो कैफीन लेता ही नहीं, क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आती। और ट्राई करता हूँ 12 के पहले सोने का, ताकि सुबह भी ट्रेन करने के लिए जल्दी उठ पाओ। अगर स्लीप अच्छे से है ना, ट्रेनिंग सेशन ज्यादा। चलो अभी जाते हैं, प्रीवी हो गया, प्री हो गया, अभी जाते हैं, मेन गेम हिट करते हैं अभी। चलो लेट्स गो, जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, सो हम लोग का वार्म अप वगैरह हो गया है, ओवरऑल शोल्डर्स वगैरह वार्म अप किए और ट्राइसेप्स वगैरह वार्म अप किए, चेस्ट वार्म अप किए, लोअर बॉडी वार्म अप किए। अभी हम लोग दो मूवमेंट्स लगाने वाले, फर्स्ट इस मशीन प्रेस और 2 ट्राइसेप्स, 2 शोल्डर्स, बस डन। अभी सबसे पहले मशीन के 1-2 वार्म अप सेट लगेंगे और उसके बाद मेन सेट पे मिलेंगे। मेरा फर्स्ट टाइम है। That's what she said. ये तो पहला वार्म अप सेट है, उसके बाद और एक मारेंगे और उसके बाद पहला सेट। कभी भी ध्यान दो कि जब आप हैवी जा रहे हो तो उसके पहले एटलीस्ट 1 या 2 वार्म अप सेट लगाओ। सो ये 50 kgs, ये लास्ट वार्म अप सेट है। ये मशीन क्या मस्त है, आई विश मेरे जिम में रहती। ओके, थोड़ा सा हैवी नहीं फील हो रहा है। ये लास्ट वार्म अप सेट, इसके बाद हम लोग का मेन सेट रहेगा। लोग हमेशा बोलते हैं कि लास्ट सेट बेस्ट सेट, बट आपका फर्स्ट सेट भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट सेट अच्छा नहीं गया, आपका पूरा वर्कआउट खराब हो सकता है। सो फर्स्ट सेट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेट्स। सो ये है हमारा पहला सेट, 63 kgs। जाएगा और एक जाएगा। सो ये मेरा सेकंड सेट, लास्ट सेट, इसके हम लोग 2 ही सेट मारे, हम लोग ईच एक्सरसाइज 2 ही सेट मारने वाले। सो फर्स्ट सेट बहुत अच्छा गया था, ये आई गेस 50 है। मैं वेट कम करता हूँ, जब भी मुझे एक पर्टिकुलर वेट से 8 रेप मिलते हैं ना, तो मैं वेट वही नहीं रखता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ, तो मुझे 8 से ज़्यादा रेप्स मिलते हैं। वन मोर, हाँ
अरे क्या, ओह माय गॉड। अभी ये हम लोग का थर्ड सेकंड एक्सरसाइज है, थर्ड सेट है। ये भी 25 है, इसका भी स्लो एंड कंट्रोल। अरे करे स्मिथ मशीन में कितना, 300 क्या बता, 2.5 इयर्स के बाद मार रहा हूँ। Oh my god. Ah. Baap re. Natural lighting mein isse kafi alag dikhti hai. अभी तक वर्कआउट बहुत ही अच्छा जा रहा है, एक एक सेट, एक एक रैप और एक एक एक्सरसाइज बहुत स्मूथली गई है। अभी ये ओवरहेड प्रेस की मशीन, मैं यूजुअली डंबल प्रेस लगाता नहीं हूँ चेस्ट के बाद, क्योंकि चेस्ट में ही आपका जो फ्रंट डेल्ट रहता है वही बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। सो उसके बाद क्वालिटी रैप्स इतने जाएंगे नहीं, बट इधर मशीन है, ये वार्म अप ही है। सो इसके और दो रैप लगाऊंगा और उसके बाद मेन। अगर आप चेस्ट के साथ शोल्डर स्ट्रेन कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो, मुझे वो जमता नहीं है, क्योंकि चेस्ट लगाने के बाद मेरे फ्रंट डेल्ट पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जाएगा क्या और एक? ट्राइसेप्स में मैं दो मूवमेंट्स लगाता हूँ, रोप पुश डाउन, उसके बाद ओवरहेड एक्सटेंशन सिंगल केबल के साथ, मैं दोनों हाथों से लगाता नहीं हूँ। सो अभी इसका एक सेट लगाऊंगा, इसके मोस्टली मैं अभी मैं ट्राइसेप्स के लिए इसके तीन ही सेट्स लगाने वाला हूँ, क्योंकि आज है संडे और मैंने मेरा लास्ट पुश वर्कआउट फ्राइडे को लगाया था। सो मेरी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप थोड़े थोड़े इधर उधर सो रहे हैं, बट अभी इसके मैं तीन ही सेट लगाऊंगा और उसके बाद हम लोग पैक फ्लाई करेंगे। जाएगा और एक जाएगा। जाएगा और एटलीस्ट दो जाने चाहिए। और एक और हाफ रैप ट्राई करते हैं। काफी अच्छा आया है पंप। सो अभी हम लोग का जस्ट ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हुआ है। अभी ये मुझे मेरे दोस्त के घर पे ड्रॉप करेगा और ये घर पे जाएगा। सो ट्रेनिंग की बात करूँ, 10/10 वर्कआउट, जिम का एनवायरनमेंट 10/10, मशीन्स 10/10, और बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था। मुझे याद है हम जब लास्ट टाइम गए थे गोल्ड्स में, सिमिलर एक्सपीरियंस था। तो अभी ट्रेनिंग होने के बाद हम लोग सबवे जाने वाले थे खाने, बट अभी इसको भी लेट हो रहा है, मुझे भी थोड़ा लेट होगा। मेरा आगे का प्लान ऐसा है कि मेरा एक दोस्त का बर्थडे, सो हम लोग 10-12 जन मिलकर डिनर को जाने वाले रात को। सो अभी मेरे दोस्त के घर जाऊंगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, उसके बाद रेडी होके हम लोग रात को डिनर को जाएंगे। अभी आपको एक रॉ वीडियो देखने के बाद एक अच्छी आइडिया आई होगी कि मैं कैसे ट्रेन करता हूँ, मेरा हर एक सेट कैसे दिखता है और मैं खुद को हर एक सेट के टाइम पे कैसे पुश करता हूँ। बाय बाय, भेटो ब्रो, गुड डे, मजा आया एकदम। यस यस, चल मैं अपना तक कभी कब मिलेंगे अभी ब्रो, एकदम एएसएपी, एज सून एज पॉसिबल। यस यस, लास्ट हम लोग एक साल पहले वर्कआउट किया था, अभी देखते हैं ईयर एंड दिसंबर समथिंग।